नमस्ते प्रणाम और आप सबको दिल से थैंक यू। इसलिए दिल से थैंक यू कि आपने एक बेहतरीन सिनेमा का जो प्यार दिया उसके लिए मैं आप सभी भोजपुरी भाषा के जितने भी हमारे प्यार करने वाले लोग हैं आप सबका जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा माहौल देखने को मिला कि संघर्ष 2 जैसी मूवी को आप लोगों ने हिंदी मूवी को नकार दिया और अपनी भोजपुरी भाषा को इतना सम्मान दिया आप सब ने, और पूरे हिंदुस्तान में आज भोजपुरी सिनेमा का डंका बज रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं योगदान आप सबका है कि इतना कम सिनेमा हॉल होने के बावजूद भी हम लोगों ने अपने परचम को लहराया और अपनी भाषा ने खिसारी नहीं, अपनी भाषा ने इतना बड़ा कलेक्शन और इतना बड़ा भीड़। इतना आज मैं एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, वो बिना सिनेमा में पहुंचा था और उसने एक शब्द बोले कि ये सिनेमा बच्चों को देखना चाहिए जो मोबाइल से कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि एक मैसेज है ये। और मैं मुझे लगता है कि हर माँ बाप को देखिए आप उसको समझाइएगा वो नहीं समझेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है मोबाइल के साथ रहने से, मोबाइल ज़्यादा चलाने से उसका परिणाम क्या होता है, ये अगर दिखाइएगा उन बच्चों को, जब दिखाइएगा तब उनको पता चलेगा कि नहीं यार हमें अपने माँ बाप से कनेक्ट होना चाहिए, हमें अपने रिश्तों से कनेक्ट होना चाहिए, अपनों से कनेक्ट होना चाहिए, हमें मोबाइल से नहीं बल्कि अपने माँ बाप के साथ खेलना चाहिए, अपनों के साथ खेलना चाहिए। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं रत्नाकर भैया को जिन्होंने ऐसी मूवी बनाने में अपना जीरो जान लगा दिया। जो भी रिक्वायरमेंट थी, चाहे आउट ऑफ इंडिया से लेकर यूपी बिहार तक जो भी रिक्वायरमेंट उस सिनेमा की थी, उन्होंने बखूबी उस रिक्वायरमेंट को दिया। और हमारे पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा जिन्होंने इसका निर्माण किया और बीरे ठाकुर जिन्होंने इसको लिखा, हमारे संघर्ष 2 के पूरे क्रू मेंबर जितने भी हैं, संजय भैया से लेकर सुशील सिंह जी से लेकर हमारे विनोद भैया से लेकर समर चतुर्वेदी से लेकर मेघा श्री से लेकर माही खान से लेकर सब माही श्रीवास्तव से लेकर सब्बा खान तक, विनीत विशाल, सब चेहरे ने और सब ने अपना 110% दिया। अनूप अरोड़ा जी, हमारे मटरू भाई, मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने अपना 110% नहीं दिया। तो इसलिए आप सबको दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। हमारी बेटी कृति ने बहुत प्यारा काम किया है, जिसने वो मेरे से भी बेहतर एक्टिंग की है। तो संघर्ष 2 को आज आप लोगों ने आज 6th-7th दिन भी हर जगह एक अलग कायनात है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। मैं चाहूँगा कि जितने भी माँ बाप हैं प्लीज़ आप अपने बच्चों को इस सिनेमा को दिखाइए, ताकि जितना भी आप डांटिएगा वो आपके बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन ये हकीकत जब देखेंगे कि मोबाइल का कितना बुरा असर है तो शायद उस चीज़ को समझ पाएंगे कि नहीं हमें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, हमें अपने माँ बाप के साथ खेलना चाहिए। ये एक संस्कार के लिए मूवी बनी है, जो कि हमारे बच्चे अपने संस्कार से अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, मोबाइल को ज़्यादा अहमियत देते हैं, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इस सिनेमा का निर्माण किया है, कोशिश की हमने एक बेहतर सिनेमा बनाने की और आप लोगों ने सराहा भी, और आप लोगों का प्यार जब मिला तो अब एक अलग ऊर्जा अंदर आ गई है कि नहीं हम लोगों को बेहतर कहानी और बेहतर प्रोडक्शन के साथ ही काम करना चाहिए, बेहतर मूवी का निर्माण करना चाहिए जिससे अपने भाषा का परिवर्तन हो, अपने भाषा का नाम ऊँचा हो और आप भी कह सके कि हमारे भाषा में भी संघर्ष 2 जैसी मूवी बनती है। आने वाली भी सिनेमा जो भी मेरी है मैसेज से भरपूर है, मैं कोशिश यही अब कर रहा हूँ कि इस सिनेमा के बाद, हाँ जो मैंने कर दिया है वो कर दिया है, लेकिन अभी सिनेमा के बाद मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो भी सिनेमा करूँ उसमें अपने भाषा की गरिमा के साथ साथ अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ मैसेज हो, तो कोशिश हमारी है। और दिल से थैंक यू आप सब जनता को जिन्होंने इतनी सारी मोहब्बत और प्यार से भर दिया संघर्ष 2 को, हर जगह हिंदी सिनेमा उतार उतार कर इस सिनेमा को संघर्ष 2 को लगाया गया। मैं लाइव इसलिए आया कि उस बच्चे का जब इंटरव्यू देखा तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं हम सबको देखना चाहिए, जो हमारे उम्र के बच्चे जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए। तो मैं सबसे सब जितने भी हमारे गार्जियन हैं, जो भी बच्चे के बाप हैं माँ हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों को दिखाइए ताकि आने वाले भविष्य में वो आपकी अहमियत दे, जब आप बुजुर्ग हो जाएँ, जब आप बूढ़े हो जाएँ, तो उनको आपका मोहब्बत, यही बचपन का मोहब्बत याद आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल याद आए। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी मूवियों को
जितना सराहेंगे जहां भी लगी है वहां आप जाइए। मैं जानता हूं कि कम सिनेमा है हमारे भोजपुरी के लिए, बट जितना भी सिनेमा है वो कमाल कर दिया। चाहे वो हमारा जो भी सिनेमा हॉल में लगा है, एक अलग लेबल, एक अलग कायनात, एक अलग भीड़, एक अलग मोहब्बत आप लोगों ने जो दिया है, जो अपना ऊर्जा दिखाया है, उसके लिए दिल से थैंक यू, लव यू ऑल। और नवरात्रि की जो बीती है उसके लिए आने वाला हमारा दीपावली को ढेर सारी शुभकामना आप सबको, छठ की ढेर सारी शुभकामना। तो दिल से थैंक यू और ढेर सारा प्यार आप सबको। कैसे ही अपने बेटा को प्यार करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। लव यू ऑल।